हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर से स्वागत है। सो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो काफ़ी क्यों देखेंगे, क्योंकि भाई आपको मैंने थंबनेल पर एक ऐसी हेडलाइंस दी है जो आपके मन में प्रश्न पैदा करेंगी कि आपको बीसी सखी बहनों को ये जानना जरूरी है बैंक आईडी मिलेगा या फिर आपको सीएससी आईडी भी मिलेगा, समझ लीजिए। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में यही बात होने वाली है कि आप अगर बैंक सखी यानी कि बीसी सखी बीसी करिस्पॉन्डिंग बनती हैं तो क्या आप ही सीएससी आईडी यानी कि जो एक अपडेट आया था कि जन सेवा केंद्र भी खुलेगा हर विलेज में, तो क्या एक ही महिला दोनों चीज बनेंगी। इन सब बातों की जो माथा पच्ची है जो आपके दिमाग को परेशान करती है और आपको आंसर शायद कोई नहीं देता होगा या फिर आप कुछ लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है तो, बट लेकिन आज सब लोग जान जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका अपना होस्ट भीमा चित्रा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भीमा चित्रा पर। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी मैटरों पर बात होने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे ये हमें पता है, बस रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने इस नए छोटे से प्यारे से चैनल को स्नेह और प्यार दिया है ऐसे ही देते रहिए और एक लाइक करना हमारी मोटिवेशन के लिए। नए हो वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे फ्यूचर की अपडेट जानने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो एवरीवन लास्ट पॉइंट तक वीडियो जरूर देखें, आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वीडियो के एंड में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक गाइज, अभिनंदन है एक बार पुनः स्वागत के साथ। जैसा कि आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में बीसी सखी के उन सारे प्रश्नों के जो है जवाब मिलने वाले हैं। आप लोग जिस अकॉर्डिंग वीडियो पर जो कमेंट करते हैं, जो आपके मन में बातें होती हैं, तो मैं कमेंट के अकॉर्डिंग भी कभी कभी वीडियो बना लेता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो हमारे यूट्यूब के परिवार हैं, उनको आखिर प्रॉब्लम किस चीज़ को है। तो प्लीज़ कमेंट एक बार जरूर किया करें जो भी आपके मन में डाउट्स हो। आजकल अक्सर मैं देखता हूं कि ज्यादा जो कमेंट्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8216944826 पर आ रहे हैं, तो ठीक, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वहां भी मैं आप लोगों के प्रश्नों का जवाब देता हूं, बट आई थिंक आप वीडियो पर कमेंट ज्यादा करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि जो बीसी सखी बहनें हैं, जैसे एक सदस्य होता है, एक स्वयं सहायता समूह होती है, उसमें आपके 12 महिलाएं कम से कम होनी चाहिए, साथ में अधिक से अधिक 12 से 20, यानी कि आप 12 से 20 महिलाएं रह सकती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी महिलाएं जो है निरक्षर हों या फिर सभी महिलाएं साक्षर हों, साक्षर मतलब पढ़ी लिखी और बिना पढ़ी लिखी। तो आई थिंक समूह जो होता है, समूह में ये कंडीशन नहीं है कि आप पढ़ी लिखी हो तभी समूह बना सकती हो, लेकिन हाँ आपको एक कंडीशन है, अगर बीसी सखी बनना चाहते हो तो बीसी सखी बनने के लिए आपको कम से कम 10 पास होना जरूरी है, ये आपका कंडीशन है। अब यहां पर बात करते हैं कि बीसी सखी कौन बनेगा और आपका जो है कौन सीएससी किसको आईडी मिलेगी, क्या एक ही महिला को मिलेगी या फिर अलग अलग मिलेगी। तो आई थिंक ध्यान से दीजिए, देखिएगा और सुनिएगा, मैं बता दूं तो बीसी सखी जो बनेंगी उनका तो योग्यता 10 पास है, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति दो पोस्ट पर नहीं रह सकता, ये आपको पता है और हमको भी पता है, यानी कि एक ही व्यक्ति दो काम नहीं कर सकता, कर सकता है वो इलीगल होता है, सरकारी तौर पे तो नहीं कर सकता जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। अगर आप एक बार नौकरी पा चुके हैं किसी भी चीज की तो आप दूसरी सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, ये आपकी नौकरी सरकार की तरफ है और सरकार की तरफ से है, सरकारी नौकरी है बट आपको मानदेय पर रखा गया है, यानी बातों को आप समझ रहे होंगे। अगर आप बीसी सखी और सीएससी आईडी आपके नाम से पास होती है, ये दोनों इंपॉसिबल है, तो इस चीज को आप जान लीजिए कि एक ही महिला यानी कि एक ही महिला दोनों काम नहीं कर सकती, तो समूह में और भी लोग हैं। समूह से जोड़ने का मतलब उद्देश्य यह है सरकार को कि उसमें जो भी 12-15 महिलाएं जुड़ी हैं सबको कुछ ना कुछ रोजगार देना है, जैसे आपका वो हर तरह हर विलेज में एक शौचालय बना होगा, सामुदायिक शौचालय, तो उसमें आपको रख रखाव के लिए किसी को रखा जाएगा, किसी को राशन गल्ले की दुकान दिया जाएगा, किसी को आंगनबाड़ी सतुए की कुछ अपडेट दी जाएगी कि वो आप वहां मतलब काम करें और पैसा कमाए। तो मतलब सरकार का ये उद्देश्य है कि हर बहन हर महिला को कुछ रोजगार देकर उसे रोजगार से जोड़ा जाए, वो अपनी जिंदगी को संवारे। तो बेहतर होगा कि आप समझ जाइए कि एक ही महिला को कई रोजगार नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। अब यहां पर बात आती है सीएससी आईडी की, तो जो ज्यादा काबिल व्यक्ति होगा, ज्यादा टैलेंटेड होगा, जिसकी योग्यता अच्छी होगी और कंप्यूटर नॉलेज होगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा, इन सब चीजों को जिनके जिनके पास होंगी, जो उसमें बेहतर पाया जाएगा उसी का चयन होगा सीएससी आईडी के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आप ये जान लीजिए सबसे सीक्रेट वाली बात, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात
कि आपको सीएससी आईडी पास करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक सर्टिफिकेट और कंप्यूटर नॉलेज। तो बातों को आप समझ गए होंगे पूरी बेहतर ढंग से। अगर कुछ अभी भी डाउट्स है तो वीडियो पर कमेंट जरूर कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है भीमा चित्रा की कि आप वीडियो पर ही कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट ना करें, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जवाब देने में हमें प्रॉब्लम्स होती है। सो प्लीज एवरीवन अटेंशन प्लीज दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन बेहतर नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।